ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर जमीन का आवंटन शुरू हो चुका है। रजिस्ट्री विभाग में करीब लगभग 29 से ज़्यादा रजिस्ट्री हो चुकी, यानी कि काश्तकारों ने, किसानों ने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। आइए हम अंदर देखते हैं कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की ज़मीन को लेकर किस तरीके से वर्क हो रहा है, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसान किस तरीके से अपनी ज़मीन को सरकार को दे रहे हैं। आइए हम उस जगह पर हैं जहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर खास तैयारी है और लोग लगे हैं, किसान काश्तकार सारे लोग अपने ज़मीनों को सरकार को देकर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने के सिलसिला में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में डिप्टी कलेक्टर हैं यहाँ पे, जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की रजिस्ट्री का सारा काम देख रहे हैं कि किसानों की समस्या हो या काश्तकारों की समस्या हो, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर जो उत्साह लोगों में है किसानों को कि जितना जल्दी हो बलिया को जाम से निजात मिले, उस सिलसिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और करीब देखा जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्री के लिए किसानों ने जिस तरीके से रजिस्ट्री की है उसके कागजात आप देख सकते हैं। लगभग ये जो बैठे हैं सारे लोग किसान हैं, लगभग 29 से ज़्यादा अब तक रजिस्ट्री हो चुकी है। आइए बात करते हैं डिप्टी कलेक्टर साहब, जो ये सिस्टम यहाँ का देख रहे हैं, व्यवस्था यहाँ का देख रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत ना हो, उस समस्या के समाधान के लिए आप स्वयं बैठे हुए, आइए बात करते हैं। सर पूरा नाम सर क्या लेते हैं? मैं डिप्टी कलेक्टर बलिया सदानंद सरोज, प्रभारी तहसीलदार सदर भी हूँ। इसके नाते मुझे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस का बनामा करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित किया गया है। इसमें मैं किसानों के साथ खुद जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहा हूं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, जिससे हमारे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस की जो बनावे की गति है वो तेज़ गति से हो और जल्दी जल्दी इस पूरे बनावे को हम करके और इस आपकी जो विकास की गति है उसमें एक नई रोड यानी कि 4 लेन 6 लेन जो भी है इसको हम जोड़ सकें और आपके बलिया को एक गति दे सकें। सर एक समस्या और आई थी कि किसानों ने जिस तरीके से एक आंदोलन किया था, एक बैठक की थी, एक डीएम से मांग भी किया था कि दर के हिसाब से उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको, दर बहुत कम को लेकर जो डीएम साहब से और भी लोगों से अधिकारी से, उस पर क्या हुआ सर? जी इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भी दर निर्धारण किया गया है माननीय शासन द्वारा जो निर्धारित सर्किल रेट है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम सभी लोग कानून और एक्ट में बंधे हुए हैं, उसमें सीधा सीधा नियम है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2 गुना ये मैक्सिमम रेट होता है। हम इसी रेट पर हम निर्धारित करते हैं। वही रेट जो शुरू से चला आ रहा है, अब तक जो रजिस्ट्रियाँ हुई होती आई हैं उन गांवों में उसी सर्किल रेट से होती आई हैं, तो उसमें हमारी उसी एक्ट और कानून बंधे हुए हैं। हमारा जहां जहां जिन जिन गांवों के 36 गांवों का भी प्रकाशन हुआ है, हमारे टोटल 82 गाँव जा रहे हैं, उनको हम उसी दर से निर्धारित कर रहे हैं जो हमारे सर्किल रेट के अनुसार है। ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2 गुना, उसमें कोई भ्रम ना रहे, अनावश्यक लोग अफवाह या रूमर ना फैलाएँ, उसका कोई अन्य उसका बढ़ेगा नहीं, उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, जितना है सर्किल रेट के अनुसार जो फिक्स हो गया है 36 गांवों का वो उतना ही रहेगा। अनावश्यक लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम में ना आए। किसानों से मेरी अपील है, विनम्र अनुरोध है, उनसे निवेदन है, कृपया इसमें सहयोग करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह यशस्वी योजना है और विकास की योजना है, इसमें सहयोग करें। तो भी ये लक्ष्य के टारगेट के हिसाब जो समय दिया गया था कि जितना जल्दी रजिस्ट्री हो ताकि वर्क शुरू हो, तो क्या लग रहा है समय के टारगेट पे हैं या फिर विलंब हो रहा है? देखिए कोई भी कार्य शुरू होता है शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं और नया नया सिस्टम है, तो अभी किसानों में जागरूकता की भी कमी है, लोग थोड़ा से कंफ्यूजन में हैं, तो उनको समझाया जा रहा है, पूरी पूरी बातें बताई जा रही हैं हमारे लेखपालों के माध्यम से, राजस्व कर्मियों के माध्यम से, हम जा रहे हैं, हमारे यशलो मैडम जा रही हैं जो SDM महोदय हैं और हमारे अन्य कर्मचारी भी, नायब साहब भी जा रहे हैं, SDM साहब ने भी प्रयास किया है, सब लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे गति बढ़ रही है। हमको लगता है कि एक हफ्ते में तेज़ गति से रफ्तार पकड़ लेगा और हम लगभग 20 से 25-30 बनामे, हो सकता 50 बनामे तक पढ़े कराने की स्थिति में आ जाएँ। सर समय क्या रखा आपने रजिस्ट्री का? समय रजिस्ट्री का समय हमारे यहाँ सवेरे हम लोग 8:30 बजे से हम खोल देते हैं, शाम के समय तक जितने लोग आ जाते हैं जिनका निबंधन शुल्क हम जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं उसका उसी दिन बनामा कर लेते हैं, नहीं तो अगले दिन उनका करवा देते हैं। सर बनामा के बाद कैसे उनको पेमेंट कर रहे हैं? उनका RDGS के माध्यम से उनका पेमेंट होता है, उसमें शासन की गाइडलाइन जो है 15 दिन के अंदर उनके खाते में पैसा चला जाएगा, उसमें कोई इब्बट नहीं होगा। उनका जितना है, जितना उनका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सर्किल रेट है उसका गुणा करने में जितना आता है
उसका उत्तम मूल्य उनको डायरेक्ट खाते में जाएगा। उनके एक चीज़ और स्पष्ट करूँगा, उनके खाते से एक पैसा नहीं कटेगा और जितना उनका है मूल उतना मिलेगा। हमारा जो निबंधन शुल्क लग रहा है, प्रतिलिपि शुल्क लग रहा है, वो मेरा अपना पैसा, सरकार का पैसा है। ये सर टीम कितने लोग लगे हैं इस कार्य में? इसमें मैंने 4-5 लेखपालों को अपने साथ अटैच किया है। हमारे आर के साहब हैं, मैं हूं, और जो है हमारा एक ऑपरेटर है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 12 बजे रात तक काम करते हैं। और अभी जब रजिस्ट्री हमारे बढ़ेगी और टीम की संख्या और बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किसानों के लिए खुशखबरी है, जितना जल्दी आप जमीन देंगे उतना ही जल्दी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि टेबल पर जमीन के डॉक्यूमेंट जिस तरीके से लोगों ने रजिस्ट्री किया, उनके कागजात डिप्टी कलेक्टर साहब दिखा रहे हैं, और इनका दावा है कि जितना जल्द आप जमीन सरकार को देंगे उतना ही जल्द ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पाएंगे, और जो जाम की समस्या है बलिया शहर में उससे जल्द निजात पाएंगे। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है आप लोगों के लिए, उस योजना में शामिल होने के लिए आपने अपील किया है। जमीन सरकार की जितना जल्दी आप देंगे उतना ही जल्दी विकास का घोड़ा तेज़ी से दौड़ेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देख रहे आजकल, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।